कि हमारे पास इतना शक्तिशाली दिमाग है, असीम शक्तियां हैं, अगर इसके 1% को भी यूज कर ले हम तो हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंदित हो जाए। लेकिन हम एक नॉर्मल व्यक्ति 1/81% यूज कर पाता है। इसका रीजन ढूंढा, यहां कुछ उत्तर है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, देखिए, क्योंकि समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है, फोटो किसका। Sometimes the chain that prevent us from being free are more mental than physical. मानसिक बंधन, मानसिक limitations वो ज्यादा हैं। अगला चित्र देखिए, कितना बड़ा प्राणी है, कितनी ताकत है, और रस्सी पतली सी है, बंधा हुआ है। सर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने एग्जाम पर पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन पहली बार नहीं सुन रहे इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। सुना बहुत बार है, समझ में आ जाए तो जिंदगी के कष्ट दूर हो जाए। क्या ये इसको तोड़ सकता है या नहीं? ताकत है इसके अंदर, तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी तोड़ता नहीं है। आज सवेरे भी हमारा 46 में ऐसे इंटरेक्शन रहा, कई तरह के प्रश्न के इसके उत्तर आए। मेरे को एक उत्तर चाहिए कि क्या कारण है, इसका रीजन क्या है, पूरा बताना पड़ेगा। पूरा बताएंगे तो गिफ्ट देंगे। बहन जी कुछ पेन लाइए। हाँ जी, चेन से बांधा जाता है, हर किसी चेन से, तो उसके मन में जो वही रहता है कि मैं बंधा हूँ। अच्छा, बड़ा, अब बड़ा भी हो गया, तब भी उसमें काफी, पूरा उत्तर नहीं है। ताली बजाओ, आधा उत्तर ठीक है। वो सवेरे भी आ नहीं पाया, आई होप कि अभी आ जाएगा। जी, उसको मालिक का डर है। मालिक का डर है, मालिक से पावरफुल रही, कई मालिकों को उठा के पटक सकता है। सर उसके माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है। देखो नया वर्ड आया, कंडीशनिंग वर्ड आया, देखिए अभी। लेकिन वो कंडीशनिंग हो कैसे गई भाई सर? प्रॉब्लम उसका पहले जो एक्सपीरियंस रहा, दूसरा तीसरा वो नहीं करा, फिर अपने मन से हार गया, या अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका चला गया कि ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर वही बैठ गया उसने। हाँ, छोड़ इनको एक पेन देना पड़ेगा। अभी आ रहे हैं सर, खड़े हो जाइए सर। एक वर्ड जो सवेरे नहीं आ पाया, मैंने कहा ना अभी आ जाएगा, एक वर्ड इनकी बात में आ गया, तो रिपीटेड फेलियर्स। भाई कंडीशनिंग तो हुई, लेकिन क्यों हुई? कंडीशनिंग होने का रीजन था कि उसने, देखिए जब वो छोटा था तो आदमी ने उसको उसकी शक्ति से ज्यादा पावरफुल रस्सियों से बांधा। छोटा बच्चा चार रस्सियों से बंधा है और बड़ा एक पतली सी रस्सी से बंधा है, देखिए जरा, जबकि पावर बड़े में ज्यादा है। लेकिन जब ये छोटा था तो ये कोशिश करता था, He used to put his effort to break that rope. और जब तक कोशिश कर रहा है तो सफलता का चांस है। जहां कोशिश बंद जिंदगी में, जिस भी बात के लिए, वहां सफलता होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है जिस दिशा में हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि मैं कोशिश करता हूं, आई कैन डू दिस। तो ये पहले कोशिश करता था, लेकिन एक बार कोशिश की, दो बार की, चार बार की, हजार बार की, हजार बार की फेलियर्स, रिपीटेड फेलियर्स ने उसके मन में ये थॉट पैदा किया, आई कैन नॉट ब्रेक दिस चेन। रिपीटेड फेलियर इज द मेन थिंग एक्चुअली यहाँ पर। वो कंडीशनिंग क्यों हुई? कॉम्प्रोमाइज। बस उसको कॉम्प्रोमाइज वर्ड दे लीजिए। सबकॉन्शियस एक बार अधीन हो गया तो पराधीन सपने हूं सुख नहीं, सुना होगा आपने। एक बार सबकॉन्शियस अधीन हो गया, माइंड इज आवर बेस्ट सर्वेंट एंड वर्स्ट मास्टर, ये कहावत है। तो सर आप आएंगे आगे? सर ये कविता बैंक ना धन्यवाद कर दिए उनके कारण ये सारा कुछ हम। हाँ जी, हाँ जी, फिर भी सभी ने नहीं दिया ना उत्तर, सोचते रह गए कहीं उत्तर अंदर होगा सभी के। सर जोरदार ताली बजाएंगे। तो अभी आप सभी का उत्तर, इट वॉज नियरली टू द पॉइंट,
बट इसमें मेन फैक्टर था हमें कौन हराता है, रिपीटेड फेलियर्स के बाद जो थॉट आता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और वो थॉट हमको रियलिस्टिक लगता है, ठीक लगता है, क्योंकि मैं कोशिश कर चुका हूँ, हजार बार कोशिश कर चुका हूँ, गुस्सा छोड़ने की कोशिश कितनी बार कर चुके हैं, और अब जब छूटना जब लगता है नहीं छूट पा रहा है तो हम उसी को अथॉरिटी ले लेते हैं और फिर अथॉरिटी से बोलते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, मुझे भी तो 40 साल हो गए। फिर हम उसको अथॉरिटी ले लेते हैं, फेलियर को अथॉरिटी मान लेते हैं, वो आपके थॉट सिस्टम बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। चलेंगे नेक्स्ट, तो हमारे ब्रेन को चेन लग जाती है। ठीक, ओके, नोटबुक किस किस के पास है? ओके, छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, सामने देखिए ये 9 डॉट्स आए हैं, बाकी सब देखेंगे या सोच विचार तो कर ही सकते हैं। ये 9 डॉट्स ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक्स पर, बोर्ड है क्या? हाँ रमेश भाई, व्हाइट बोर्ड पर कर ले, अभी हम समझेंगे। ये 9 डॉट्स ड्रॉ कर लीजिए और इसको 4 स्ट्रेट लाइन से, ओनली 4 स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन कीजिए। आपको 1 मिनट 2 मिनट मिलते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन से, बाकी अपना दिमाग चलाइए, शायद आप विजुअलाइजेशन में ही कर पाए। देखिएगा, इनको ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, सामने कंडीशन रखी है, ज्वाइन 9 डॉट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन ओनली इन 4 स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, जिनके पास पेन नहीं है, किस किस को लगता है मैं कर पाऊंगा? अच्छा, जिसको लग रहा है ना तो वो सामने आकर के पेन से ड्रॉ करके एक ट्राई कर सकता है। ओके, आप सोचते रहिए, इसके अंदर बहुत बड़ा लेसन है पूरी लाइफ के। हो गया आपका? अच्छा, यहीं पर बनाएंगे। ओके, जस्ट वेट, पहले उनको जो बना रहे हैं कैसा देख ले। जी नहीं बन रहा सर, नहीं हो रहा, एनीबॉडी? हो गया आपका? दिखाएंगे एक मिनट, आप आ जाइए, मिल जी, आप आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। सामने दे दो सतेंद्र भाई, ये थोड़ा भाई साहब से लेके दिखाएं। सर कितनी लाइन बोल रहा था? 4। ये बिना पेन उठाए बन सकती है? बिना पेन उठाए वो देखिए ना, ठीक वो भी हो जाएगा। हाँ देखो, फिर भी इन्होंने कहा वो भी हो जाएगा। यस, दिस एटीट्यूड इज गुड, ताली बजाओ, सोचेंगे तो हो जाएगा। इसमें बीच वाला, इसमें बीच वाला डॉट रह गया है ना, और ऊपर वाले में आपने पेन उठाया है, ऊपर वाले में। हाँ कैसे बना के थे? अच्छा हाँ वहां बनाई। अच्छा नहीं, पेन नहीं उठाया, 5 लाइन हो गई, लाइन 5 हो गई। ये स्ट्रेट लाइन नहीं, इन्होंने करो बना के रास्ता तो निकाल दिया, ताली बजाओ, कुछ ना कुछ तो किया है। स्ट्रेट लाइन बोला है, फिर भी सोचा तो है ना। थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार हारा, तब जाकर के रोशनी का आविष्कार उसने किया, और लोगों ने कहा अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, अभी इनके लिए क्या किया जाए? ताली बजाई जाए, क्योंकि ताली बजाने पर कोई टैक्स नहीं लगा है, लेकिन इन्होंने हिम्मत की वहां से उठ के आने की। ये हिम्मत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, बाकी अभी हारे या क्या हो दैट डज नॉट मैटर, कोशिश करना बहुत जरूरी है। जी चलिए, इनके बाद फिर आपको इसका
सीक्रेट बताएंगे। ओके बाहर जाना पड़ेगा। एक मिनट, हमने दोनों को इकट्ठा मिलके सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, आपको अलग अलग बुलाया जाएगा ना। मैं फिर भी देखना चाहूंगा सर, अपनी नोटबुक दिखाएंगे। नोटबुक में ये सुना था, कितनी चीजों के मेरे को पता है, कितनी चीजों के समाधान सुने हुए, देखे हुए, किए हुए, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो भाई साहब भी सोच रहे काम बताया था, अभी मेमोरी फेल हो रही है। वेरी नाइस, ताली बजाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर ताली जोरदार बजाएंगे। यहाँ पर ये बात है कि ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स के चारों तरफ ओपन स्पेस है, राइट? हाँ, कोई नहीं, मैं इस पे दिखा दूँ, इसमें है, इसमें हो जाए, ओपन स्पेस है इसमें। यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन हम उस ओपन स्पेस को, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं करते। और जबकि कोई डायरेक्शन में ऐसा नहीं था कि आपको इससे बाहर नहीं जाना, ज्यादातर लोग अपने आप ही उसका चक्कर लगा रहे हैं। ओके, एक छोटी सी, एक मिनट इसको मिटाएंगे जल्दी से। हाँ, मिटा दो इसको, पूरा मिटा दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है?